गूगल क्या है और किसने बनाया और इससे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से कितनों को पता है कि गूगल क्या है? आज से 15 से 20 साल पीछे चले जाएं तो इंटरनेट तो था, लेकिन तब इंफॉर्मेशन की कमी थी। इंफॉर्मेशन लोगों के पास था, लेकिन इंटरनेट में इतना भी नहीं था। आप जैसे आज बहुत कुछ इंटरनेट पर ढूंढते हैं, वैसे ही 10 से 15 साल पहले लोग किताबों में या फिर किसी से जानकारी हासिल करते थे। लेकिन लोगों से पूछकर जानकारी हासिल करना बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती थी उस दौर में, जब वेबसाइट भी थी, लेकिन कौन सी वेबसाइट में कौन सी जानकारी सही है या जल्दी से कोई जानकारी मिल जाए तो बहुत बड़ी समस्या थी। तभी उस वक्त दो नौजवान लड़के इस समस्या का समाधान लेकर आए। उसका समाधान गूगल के जरिए हुआ। और वो दो लड़के कौन थे, गूगल क्या होता है, किसने बनाया और गूगल की शुरुआत कैसे हुई, इस जानकारी को मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल यह एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सारी दुनिया के लोग जानते हैं। 1998 में इसकी शुरुआत हुई और आज यह हमारी डेली लाइफ की अहम हिस्सा बन गया है। हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ ही जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, अमेजिंग फैक्ट के बारे में। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन गूगल को लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने बनाया था, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन दो नौजवानों ने इन गूगल की स्थापना की थी। गूगल ने अप्रैल 2004 में अपनी ईमेल सर्विस जीमेल से शुरू की थी। गूगल के आने से पहले याहू सर्च इंजन का उपयोग होता था, लेकिन याहू पीछे छूट गया। गूगल के आने के कुछ समय पश्चात ही गूगल की भारी लोकप्रियता हासिल कर ली और वो याहू को पीछे छोड़कर नंबर एक पर गूगल आ गया। अब जानते हैं इस वीडियो का सबसे अमेजिंग फैक्ट कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है। गूगल का हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि यूएसए में है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में गूगल के सीईओ हमारे भारतीय ही हैं, जिनका नाम सुंदर पिचाई जी है। गूगल दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला वेबसाइट बन चुका है और गूगल ने 2006 में यूट्यूब को 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। 2005 में ही गूगल मैप और गूगल अर्थ ऐप की शुरुआत की गई। और इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट है, गूगल मैप पर जिस लड़की की आवाज़ आती है वो ऑस्ट्रेलिया की है और उसका नाम कैरेन जैकॉब्सन है, यानी गूगल मैप पर ऑस्ट्रेलिया की कैरेन जैकॉब्सन की आवाज़ आती है। और यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर आपको तो बहुत हैरानी होगी कि गूगल की टीम में 14% ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी तक कभी कॉलेज ही नहीं गए हैं। गूगल पर एक मिनट में लगभग 35 लाख सवाल पूछे जाते हैं। गूगल अपने कर्मचारियों का इतना ख्याल रखती है कि उनके सोने के लिए ऑफिस में ही स्लीप पोड बना रखे हैं। नेटफ्लिक्स गूगल से भी पुराना है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, जबकि गूगल की स्थापना 1998 में हुई। और नेटफ्लिक्स कम फेमस हुआ जबकि गूगल ज़्यादा फेमस हुआ। तो आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।